बीजापुर जिला में इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण का काम चलाया जा रहा है, किंतु पुल निर्माण का विरोध क्षेत्र के ही 11 गांव के ग्रामीण कर रहे हैं। सभी ग्रामीण राशन बर्तन लेकर के फूंड गांव में इकट्ठा हो गए हैं। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गांव वाले प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है करीब 11 गांव पूरी तरीके से खाली हो चुका है। भारी संख्या में महिला पुरुष समेत बच्चे भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकाल कर इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। दरअसल पुल का विरोध करने के लिए ताकि लोड रेखा वाया उस पर ही बेलनार समेत अन्य गांव के ग्रामीण अपना घर बार छोड़कर नदी किनारे इकट्ठे हो गए हैं। पिछले सप्ताह भर से पुंडरी में आंदोलन जारी है। ग्रामीण अपने साथ राशन बर्तन लेकर के पहुंचे हैं। हालांकि स्कूल अस्पताल बनाने की मांग है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण हर दिन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव छोड़कर आते और रैली निकालते ग्रामीणों का एक वीडियो भी सामने आया है। इनकी 7 सूत्री मांगों में पेशा नियम 2022 को रद्द किया जाए, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में 32% आरक्षण आदिवासियों को मिले, नदी पर पुल, सड़क, पुलिस कैंप स्थापित न हो, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी समेत पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए, आदिवासी इलाकों में बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्य न किए जाएं, वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द कर दी जाए, गांव में ड्रोन से हमला बंद हो। कुल मिलाकर क्षेत्र के ग्रामीण विकास के विरोध में ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि उनकी कुछ मांग है, अस्पताल की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, किंतु आने जाने के लिए सड़क हो, ये उनकी मांग में शामिल नहीं है। अर्थात जहाँ पे पुलिस की आसानी से पहुँच होगी ऐसी वो व्यवस्था नहीं चाहते। इसीलिए 11 गांव के ग्रामीण पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नदी के किनारे इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।